छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे एक साथ जारी कर दिए हैं। रायपुर के माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी किया है। रायगढ़ की रहने वाली विधि भोंसले ने 12वीं में टॉप स्थान हासिल किया है। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जशपुर के रहने वाले राहुल यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी 10वीं और 12वीं के टॉपरों को बधाई देते हुए कहा कि होशियार बच्चों, आपके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का कमाल, संतोष है कि कक्षा 10वीं में टॉप 10 में 48 छात्रों में से 10 छात्र स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। रैंक 1 और रैंक 2 पर आने वाले छात्र भी स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। साथ ही कक्षा 12वीं में टॉप 10 में 30 छात्रों में से 5 छात्र स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं का परीक्षा परिणाम 75.5% रहा है। वहीं 12वीं की परीक्षा का परिणाम 89.96% रहा। 12वीं में टॉप 10 में 6 लड़कियां रही हैं, जबकि 10वीं में टॉप 10 में 5 लड़कियों ने स्थान मारा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हौसला था तुम्हारा, ऊंची उड़ान का कब नहीं देखा आसमान का, सभी सफलता पाई है। आज आप लोगों ने हकदार बने हैं सम्मान का। पहली पत्नी के साथ में 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही एक समय सीमा के भीतर इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने वाले माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी कर्मचारी और सभी आदरणीय साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली। दरअसल अंबिकापुर के शहर घुटारा पारा की रहने वाली वंशिका गुप्ता ने कक्षा 10वीं में 97.5% अंक लाकर टॉप 10 में 6वां स्थान हासिल किया है। इसमें खास बात ये रही कि वंशिका गुप्ता स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में पिछले 3 सालों से पढ़ रही हैं। वंशिका ने बताया कि आने वाले समय में पढ़ाई कर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। इधर परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी ने हमारा और प्रदेश का नाम रोशन किया है, वे अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है और हमारा हमेशा से सहयोग पढ़ाई के प्रति रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 10 में आई हूँ। कैसी तैयारियाँ रहती थी? मैं अपने से ही पढ़ाई करती थी और टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स के तरफ से भी पूरा सपोर्ट था और मैं सेल्फ स्टडी करती थी। कौन से स्कूल में पढ़ाई करती थी? मैं स्वामी आत्मानंद में पढ़ती थी। आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। स्वामी आत्मानंद स्कूल में कैसी पढ़ाई थी जो आपको यहाँ पहुँचाया? स्वामी आत्मानंद की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी, वहाँ के सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे जो बहुत इतना सपोर्ट किया और उन्हीं के चलते मैं यहाँ पे हूँ। प्रिंसिपल सर ब्रिजेश सर जो थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, उनके ही चलते आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी बेटी आज पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा नाम रोशन करी है और सभी को बधाई देना चाहती हूँ। सभी बच्चों ने मेहनत किया है और हमारी बेटी भी मेहनत की थी सर, आज उसी का मेहनत का ही नतीजा है ये। किस तरह से पढ़ाई करती थी और कितना फोकस रहता था इसका पढ़ाई के ऊपर? सर इसका पढ़ाई का तो पूरा ही फोकस रहता था, ये खुद मेहनत करती थी और कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं जाती थी, जो भी है वो सब अपने मेहनत के नतीजा है सर। आगे अंशिका डॉक्टर बनना चाहती, कैसा मदद रहेगा आप लोगों को? सर डॉक्टर बनने के लिए इसको जो भी फैसिलिटी चाहिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं के सभी सफल परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों से किए अपने वादों को याद करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं में टॉप 10 विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराने का प्रॉमिस किया। साथ ही इन परीक्षाओं में जिन बच्चों को उनकी उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया उन्हें सफल बच्चों से सीख लेते हुए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसे ध्यान में रखें, निराशा से दूर रहें और फिर मेहनत से पढ़ाई करके सफलता को हासिल करें। कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से योजना के तर्ज पर स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खोला गया है, चाहे वो हिंदी माध्यम स्कूल हो या अंग्रेजी माध्यम स्कूल, दोनों में ही पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी जो उपलब्धि रही है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और ख़ास तौर पर इंग्लिश माध्यम जो आत्मानंद स्कूल है
वहाँ पर बेहद जो छात्र हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, और यही वजह है कि आज उन्होंने जो टॉप 10 की सूची है उसमें भी उन्होंने अपना स्थान यहाँ पर बनाया है। और इसको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज तमाम आत्मानंद स्कूल के छात्रों के साथ में सेल्फी भी ली, उन्होंने कहा ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, तो इससे जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ के छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार तो सजग है ही, लेकिन छात्र खुद भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर उनको सही तरीके से बेहतर सुविधाएं दी जाती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो मुकाम टॉपरों ने हासिल किया है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, दसवीं को हो या बारहवीं के, आने वाले दिनों में वो बड़े सपनों के साथ, कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो स्कूल से मिलती हैं। और यही वजह है कि इन तमाम जो टॉपर छात्र हैं इन्हें बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए समय मिला, उनके परिजनों ने उनको सपोर्ट किया, और उसके साथ में छात्रों की तरफ से बेहतर भविष्य के लिए जो स्कूली सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार ने मुहैया भी करवाई है। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट स्कूल के भी छात्र हैं जो टॉपर की सूची में आए हैं, और जाहिर है कि आदिवासी क्षेत्र, खासतौर पर सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ क्षेत्र से जिन छात्रों का टॉपर सूची में सबसे टॉप पर स्थान उनको हासिल हुआ है, ये बताता है कि किस तरीके से जो आज भी ग्रामीण अंचल के छात्र हैं वो आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर बेहद सजग है, और यही वजह है कि वो मेहनत करने से नहीं चूकते और आज उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।